हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में भूल कर भी कुछ गलतियां करने से आपके घर में तनाव या टेंशन बढ़ जाती है। अनजाने में घर के मंदिर में की गई ये गलतियां बन सकती हैं आपके लिए तनाव का कारण। भगवान की पूजा हर घर में की जाती है। लोग अपने घर में भगवान को एक खास जगह देते हैं और उसी जगह पर रोजाना उनकी पूजा पाठ की जाती है। एक तरह से माना जाए तो ये स्थान हमारे घर में एक मंदिर के रूप में रहता है। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका वास्तु के अनुसार ही होना शुभ माना जाता है। आज हम आपको आपके घर के मंदिर से जुड़ी ऐसी ज़रूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे भगवान की कृपा घर परिवार को नहीं मिल पाती है। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ रखकर पूजा अर्चना करने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं जिन्हें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनके घर में होने पर सुख समृद्धि घर से चली जाती है। यदि आपके घर का पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर अथवा पूर्वोत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियां या चित्र आदि रखने चाहिए। पूजा घर की देहरी को कुछ ऊंचा बनाना चाहिए। पूजा घर में प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था बनानी चाहिए। पूजा घर में वायु के प्रवाह को संतुलित बनाने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान भी होना चाहिए। पूजा घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक आदि स्थापित करने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सूर्य की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए। गणपति एवं दुर्गा की मूर्तियों का मुख दक्षिण में होना उत्तम माना जाता है। काली माँ की मूर्ति का मुख दक्षिण में होना शुभ माना गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण पश्चिम में होना शुभ फलदायक है। पूजा घर में श्री यंत्र, गणेश यंत्र या और कुबेर यंत्र रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा घर के समीप में शौचालय नहीं होना चाहिए, इससे प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि पूजा घर के नज़दीक शौचालय हो तो शौचालय का द्वार इस प्रकार बनाना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठकर वह दिखाई ना दे। पूजा घर का दरवाज़ा लंबे समय तक बंद नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में नियमित रूप से पूजा नहीं की जाए तो वहां के निवासियों को दोषकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा घर में गंदगी एवं आसपास के वातावरण में शोरगुल हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोषयुक्त होता है, चाहे वह वास्तु समस्त ही क्यों ना हो बना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर आकाश तत्व एवं वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्तियों की एकाग्रता भंग होती है तथा पूजा का शुभ लाभ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये हमने आपको वास्तु के अनुसार मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।